नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हो सकता है कि किसान आंदोलन पर विराम लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसान नेताओं का बयान सामने आ रहा है वो किसान आंदोलन के खत्म होने का संकेत दे रहा है, और ये सब सरकार के साथ किसानों की चौथे दौर की वार्ता के बाद देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किसान आंदोलन के तहत दिल्ली चलो मामले को लेकर जो है लगातार इस नारे के तहत कूच करने के लिए किसान आगे बढ़ रहे थे, और इसी बीच तीन बार जो है वार्ता हो चुकी थी, और चौथे दौर की वार्ता जब किसानों की सरकार के साथ हुई उसके बाद सरकार ने उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसा ऑफर दिया कि किसान भी सोचने पर मजबूर हो गए। यानी साफ तौर पर यह खबर उन राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा झटका है जो इस किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। यह खबर उन किसान के नेताओं के लिए भी बड़ा झटका है, राकेश जैसे नेता जो अब इसे इसकी आड़ में वो भी राजनीतिक का अगर आप कहेंगे लाभ उठाना चाह रहे थे, तो जो लोग इस किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चौथी वार्ता के बाद ही किसान आंदोलन, यूं कहिए कि किसान और सरकार के बीच के मतभेद जो है खत्म होते नजर आ रहे हैं, और सरकार ने भी जो इस वक्त इन्हें ऑफर दे दिया है उसे लेकर किसान भी अब सोचने पर मजबूर है कि कितना बढ़िया ऑफर जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सरकार ने दिया है। अब इस ऑफर को पढ़ेंगे समझेंगे, और इसके लिए उन्होंने 21 फरवरी तक का समय जो है ले लिया है। तो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा तक हलचल लगातार तेज है। इसी बीच चंडीगढ़ में किसानों के साथ रविवार को ही सरकार की देर रात तक चौथे दौर की अहम बातचीत हुई। माना जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच हुई इस बात को सकारात्मक चर्चा के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली बार तो बीच बैठक के दौरान ही विरोध के सुर मुखर थे, लेकिन इस बार स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। श्रवण सिंह पढ़ेर ने, जो किसान नेता है श्रवण सिंह पढ़ेर, उनका बयान इस मामले पर सामने आया है, जहां वो साफ तौर पर जो है कहते नजर आ रही है कि किसान आंदोलन पर जिस तरीके से अभी किसानों का ये आंदोलन चल रहा था उस पे 21 फरवरी तक के लिए रोक लगा दिया गया है। 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक की बात वो कह रही हैं कि हम लोग जो है तब तक आराम से पीसफुली जो है अपना काम करेंगे। और क्या कुछ कहना है श्रवण सिंह पढ़ेर का सरकार से हुई वार्ता को लेकर, उनके आगे की रणनीति को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, जरा सुनिए। हमारा 14 मेंबरी वफद था, उधर तीन केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब सबके समक्ष, और उसके ऊपर MSP पे ज़्यादा चर्चा हो सकी उसमें, जिस पे चर्चा नहीं हो सकी। अभी कर्ज था, C2+50% था, और हमने जो छाटे थे मुद्दे WTO से खेती को बाहर की बात थी, पेंशन का सवाल था, नरेगा एजेंडे पे रखा गया था, नरेगा की बात भी एजेंडे पे रखी गई थी। तो ये सब मुद्दों पे और बाकी सब मुद्दों पे जिन पे चर्चा हुई है, निर्णय क्या करेंगे वो सब बातें अभी रह रही हैं। तो जिस ढंग से मंत्री महोदय ने प्रेस के सामने प्रस्ताव रखा है, अब हमने कहा ठीक है, आप जो प्रस्ताव हमें दे रहे हैं हम इस मीटिंग में इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो हम अपने सभी साथियों के साथ और कोई कृषि विशेषज्ञ थे और अन्य माहिर, कानून के कोई माहिर से सबसे इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, तब निर्णय ले सकेंगे इसके बारे में क्या करना है। तो आज हम जाके इसी तरह की अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद क्या होगा। और जहाँ तक दिल्ली जाने का निर्णय था हमारा, वो अभी स्टैंड बाय है। हमने कहा है आज 19 होगी, 21 को 11 बजे हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बीच में हम चाहेंगे, हमारी ओर से पूरा प्रयास होगा कि हम अपनी बात फिर केंद्र के समक्ष रख दें। आज उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो केंद्र इन दो दिनों में कोई और, जैसे मंत्री महोदय ने भी कहा कि कुछ बातें अभी है उसके बारे में हम भी दिल्ली जाके विचार करेंगे, तो उधर से भी क्या आता है। ठीक है, जो गतिरोध बना था, ठीक है, ये प्रस्ताव क्या है क्या नहीं अभी तो बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ गतिरोध से आगे तो बात बढ़ी है तो हमें नज़र आई। अब जो निर्णय होगा वो बोलेंगे, अभी तक का यही है। MSP को लेकर जो ये चढ़ा था उस पर क्या हुआ, कि सुनने में आगे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा की बात हुई है? ऐसा देखिए यही सब चीज़ों के लिए अभी कुछ कहेंगे उचित नहीं है, सबके साथ रखेंगे। क्या इसमें प्रस्ताव में
हमें हमें उचित नहीं लग रही बातें, ये सब बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद ही बता सकेंगे ना, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह पर सकते। उन्होंने एमएसपी के लेके आपके आगे क्या प्रस्ताव रखा है? हाँ, उन्होंने तो जो प्रस्ताव था प्रेस के सामने पूरे देश के समक्ष रख दिया कि हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमारे लिए तो फिर सोचने का विषय है ना, कोई बोलेगा अभी अगर केंद्र को प्रस्ताव करता उसको किसान लीडर ठुकरा देते हैं, और इनकी मंशा सिर्फ आगे बढ़ने की है या टकराव पैदा करने की, तो हम ऐसा नहीं चाहते देश के समक्ष ऐसी बात रखें। हम पूरा ठंडे मन से सोचेंगे और क्या चाहते हैं हम वो भी उनको बताएंगे, वो क्या सोच रहे हैं वो भी बताएंगे। तो ये सब बातें तो है, तो ये भी आग्रह करेंगे। ऐसा तो हम सोचते नहीं भी बात टूटे, नहीं तो हमें पीसफुली दिल्ली जाने का भी दिया जा सकता है। तो कुछ भी है, हम बिल्कुल आराम से सोच रहे हैं इस बातों पे, जो भी प्रस्ताव हमारे सामने आ रहा उसको पीसफुली ढंग से हम सोच लें देश के। किसको आप आगे बढ़ेंगे पीस के लिए? बिल्कुल, तो वो तो स्टैंड बाय, अभी 2 दिन का निर्णय होगा किस तरह, क्या इस प्रस्ताव बिल्कुल सही है या इस प्रस्ताव नामंजूर है, जो भी है क्या क्या बिंदुओं पे आगे बात बढ़नी चाहिए, कौन सी बातें हमें। अभी तो मैं बोल रहा हूँ C2+ पर भी वार्ता की जरूरत है, कर्ज मुक्ति पर वार्ता की जरूरत है, तो वो सभी बिंदुएं अभी क्लियर होने बाकी है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार से बातचीत हुई है, काफी मतलब सही बातचीत रही, सरकार ने भी उन्हें ऑफर दिया है, ऑफर पर अब वे सोच विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चीजें क्या है, अपने हिसाब से सेट बैठ रही है कि नहीं। तब तक 11 फरवरी तक का जो समय है उन्होंने ले रखा है। श्रवण कुमार ने बताया कि हमने फिलहाल 2 दिन का समय भी मांगा है, हम आपस में बातचीत करेंगे, अगर हमारे बीच सहमति बन गई तो आंदोलन वापस भी ले लेंगे, अगर सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा रहा है 4थे दिन की वार्ता में बात बन गई है। अब वहीं आपको बता दें कि किसानों के साथ तो वार्ता होने के बाद, जिस तरीके से वार्ता हुई इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वार्ता में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने तरफ से भी बताया कि किस तरीके से किसानों से चर्चा हुई, किसानों से बातचीत हुई और किसानों से बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला है। आपको बता दें कि वो कहते नजर आए कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटियां उन किसानों के साथ समझौता करेगी जो तूर उड़द मसूर दाल या मक्का उगाएगी और फिर उनसे अगले 5 साल तक एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ के 4थे दौर की वार्ता खत्म हो गई। बैठक बाद किसान नेता के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित 3 केंद्रीय मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिस्सा लिया था। बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हुई। दोनों पक्ष के बीच इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। चंडीगढ़ के 4थे दौर के वार्ता खत्म होने के बाद ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है बातचीत की मीडिया के सामने। उन्होंने बताया कि क्या कुछ जो है रोल यह रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार आप भी सुनिए। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है धान की और गेहूं की, अब
शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है, और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा सकारात्मक सोच पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो NCCF हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, NAFED, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके NCCF और NAFED गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी, एक पोर्टल बनाया जाएगा, वैसे डेटा तो ऑलरेडी है कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है, और 5 साल की का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा NAFED और NCCF द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी, ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो MSP पर NAFED और NCCF खरीदेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की है, हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर विस्तृत चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि NAFED को MSP पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय कपास निगम MSP पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करेगा। किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल ने केंद्रीय मंत्री के साथ रविवार को बातचीत से पहले भी कहा था कि केंद्र सरकार को टाल मटोल की नीति नहीं अपनानी चाहिए, आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों की मांगे माननी चाहिए। अब सवाल है कि किसानों की प्रमुख मांगे क्या है, तो किसान नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार से कई मांगे रखी गई है, जिसमें सबसे अहम मांग है MSP को लेकर नई कानून। किसान सरकार से MSP को लेकर नई कानून की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज हुई सभी मुकदमों को केंद्र सरकार वापस ले, आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवारों को मुआवजा दे। किसानों की मांग है कि पराली जलाने को लेकर उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न किया जाए। इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं किसानों की, जैसे जैसे किसानों के लिए पेंशन, भारत अपने आप को WTO से अलग कर ले, जमीन अधिग्रहण कानून 2013 को उनके मूल स्वरूप में लागू किया जाए, 10,000 रुपए जो है उन्हें मंथली अलाउंस मिले, इस तरीके से कई सारे जो अगर आप कहेंगे कि पेंशन जो है उसके रिलेटेड भी कई सारी इनकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर सरकार के से वो बात कर रहे हैं, वार्ता जो है कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान नेता या जिस तरीके से अब उनका बयान है कि चीज़ें अब सॉर्ट हो रही हैं, बहुत हद तक शॉर्ट हो चुकी हैं, तो ये बता रहा है कि किस तरीके से अब प्रदर्शन जो है अब थमने वाला है, किसान आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे में हमें आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।